हेलो एवरीवन आज हम देखेंगे मैन्युपुलेशन ऑफ डेटा इन एम एस एक्सेस लास्ट टाइम भी हमने प्राइमरी की का कंसेप्ट देखा था आज हम देखेंगे कि मैन्यूपलेशन कैसे करते हैं डेटा मैन्युपलेशन का मतलब होता है चेंजेस इन डेटा चेंजेस कैसे करते हैं हम डेटा को टेबल के अंदर या फिर डेटाबेस के अंदर तो मैन्युपुलेशन मीन्स टू मेक चेंज मेक चेंजेस इन डेटा द फॉलोइंग मॉडिफिकेशन कैन बी डन ऑन टेबल माइक्रोसॉफ्ट एक्सिस सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है बेटा सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है आपका जस्ट मिनट ओके सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है आपका एड अ न्यू रिकॉर्ड या फिर रो नए रिकॉर्ड या नए रो को कैसे इंसर्ट करते हैं हम तो टू एड रिकॉर्ड प्लेस द कर्सर एट द लास्ट वैल्यू ऑफ द लास्ट फील्ड कॉलम एंड सिंपल प्रेस द टेब की तो इस टाइप की आपकी टेबल होती है बेटा इस टाइप की आपकी टेबल होती है जब आप इस लास्ट वाले फील्ड पे होते हो ये जो लास्ट फील्ड की ला, ए, इस रो के लास्ट फील्ड पे होते हैं तब आप अगर टेप को प्रेस की करोगे तो आपका कर्सर इस जगह पे आ जाएगा अगेन आप टेप प्रेस करोगे तो यहाँ पे यहाँ पे देन लास्ट में आ जाएगा अगेन आप जब यहाँ पे प्रेस करोगे तो वो न्यू रो को क्रिएट कर लेगा दिस इज़ कॉल्ड एडिंग अ न्यू रो और द रिकॉर्ड इसके बाद आता है बेटा एड अ न्यू फील्ड और द कॉलम न्यू फील्ड एंड कॉलम का मतलब होता है कि आपके पास ऑलरेडी आप आपके पास ऑलरेडी यहां पे कितने कॉलम है टू कॉलम्स है रोल नंबर नेम एंड एज तो आप यहां पे क्या कर सकते हो एक और कॉलम को ऐड कर सकते हो ओके okay? कैसे करते हैं टू एड न्यू कॉलम राइट क्लिक ऑन द कॉलम हेडर कॉलम का जो हेडर था बेटा ये यहां पे कॉलम का जो हेडर होता है यहां पे आपको क्या करना है राइट राइट क्लिक करना है ओके राइट क्लिक करने के बाद आपके पास वहां पे कॉन्टेक्स्ट मेन्यू अवेलेबल होगा बेटा जिसके अंदर होगा आपके राइट क्लिक ऑन द कॉलम हेडर एंड चूज द इंसर्ट फील्ड ऑप्शन टू द लेफ्ट ऑफ द सेलेक्टेड फील्ड तो जो भी फील्ड आपने सेलेक्ट है उसके लेफ्ट साइड में जो भी फील्ड आपने सेलेक्ट कर रखा है देखो आपने अगर यह सेलेक्ट कर रखा है तो यह न्यू फील्ड होगा आपका इसके हमेशा लेफ्ट साइड में एक न्यू फील्ड या कॉलम अपडेट ऐड होता है अपडेटर रिकॉर्ड अपडेटर रिकॉर्ड का मतलब है कि किसी का पहले से नाम हर्ष लिखा हुआ है अब आप चाहते हो कि इसका नेम चेंज हो जाए तो आप उसको हरीश करना चाहते हो आर आई एस एस तो दिस इज कॉल्ड अपडेशन

और कॉलम हेडर एंड प्रेस द डिलीट की ऑन द राइट क्लिक द माउस एंड द सेलेक्ट द डिलीट रिकॉर्ड एंड डिलीट फील्ड ऑप्शन क्लिक यस टू कॉलम अब देखो बेटा इसका मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताता हूं इन सब का कि कैसे ये परफॉर्म होता है ऐड अ न्यू रिकॉर्ड ऐड अ न्यू फील्ड अपडेट अ रिकॉर्ड एंड डिलीट रो और कॉलम तो लुक एट द स्क्रीन ओनली सबसे पहले हम यहां पे हमारा एक्सेस ओपन करेंगे ये हमने एक्सेस ओपन कर रखा है यहाँ पे बेटा एक्सेस ओपन करने के बाद ये मैंने एक स्टूडेंट नाम की टेबल ओपन कर रखी है अब यहाँ देखो बेटा मैं यहाँ पे जो हमारे फर्स्ट रिकॉर्ड के लास्ट फील्ड पे आ चुका हूँ अब मैं यहाँ से जैसे टैप को प्रेस करूँगा मेरा कर्सर नेक्स्ट रिकॉर्ड के फर्स्ट कॉलम पे आ जाएगा ये ये देखो यहां पे मैंने न्यू एंट्री कर दी है हर्ष क्लास नाइन्थ एड्रेस कोटा एडमिशन डेट जो भी हम यहां से चूज कर सकते हैं Second था आपका बेटा एडिशन ऑफ एडिशन ऑफ एडिश जस्ट मिनट यहां पे भी मैं यहां पे मैं क्या करता हूं एडिशन ऑफ न्यू फील्ड अब ये देखो बेटा एडमिशन डेट के मैं यहाँ पे ये देखो बेटा ये देखो ये हेडर है जहां पे एडमिशन डेट लिखा हुआ है दिस इज कॉल्ड फील्ड हेडर या फिर कॉलम हेडर तो यहाँ पे जाके मैं राइट क्लिक करूंगा फील्ड हेडर या फिर कॉलम हेडर के यहाँ पे मैं राइट क्लिक का ओपन करूंगा करूंगा बेटा यहाँ पे आ रहा है इंसर्ट कॉलम तो देखो जैसे मैं इंसर्ट कॉलम पे क्लिक करता हूं मैंने बोला था जो नया कॉलम हमेशा इंसर्ट होगा वो लेफ्ट साइड में होगा अब यहाँ, यहाँ, यहाँ से चेंज करके एज नाम एज uh, तो ऑलरेडी है हम यहाँ से कर देते हैं मार्क्स uh, ओके okay? तो ये देखो बेटा मार्क्स नाम का एक फील्ड यहाँ पे एड हो गया है इसके बाद देखो थर्ड वाला था हमारा अपडेट अ रिकॉर्ड अपडेट अ रिकॉर्ड ये देखो बेटा राज नाम था इसका इसका नाम राज इसका नाम मैं कर देता हूं राजीव और ये अपडेट हो गया है इसकी क्लास एट्थ थी इसकी चेंज कर देते हैं टेंथ क्लास कर देते हैं इसके मार्क्स यहाँ पे कर देते हैं हम सेवेंटी इसके कर देते हैं एट्टी परसेंट तो ये सब क्या करा मैंने यहाँ पे यहाँ पे मैंने कर दिया है अपडेशन अपडेट रिकॉर्ड मैंने रिकॉर्ड को क्या कर दिया है अपडेट जैसे मेरा यहाँ पे हर्ष नाम था तो हर्ष को मैं हरीश कर देता हूँ ये मैंने अपडेट कर दिया है लास्ट था जो हमारा मॉडिफिकेशन में क्या था कस्टमाइजेशन में कि हम किसी भी फील्ड या फिर रिकॉर्ड को डिलीट कर सकते हैं तो देखो बेटा आप किसी भी फील्ड को डिलीट करने के लिए जैसे मैं यहाँ पे क्लास है तो क्लास के हेडर पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे डिलीट आ रहा है डिलीट कॉलम कर दूंगा और यस yes कर दूंगा ये देखो डिलीट हो गया है इसी टाइप से अगर मेरे को किसी रिकॉर्ड को डिलीट करना है तो रिकॉर्ड को सेलेक्ट करूंगा इस टाइप से रिकॉर्ड हेडर पे क्लिक करके राइट right क्लिक करके डिलीट रिकॉर्ड और ये पूछ रहा है यू आर अबाउट टू डिलीट वन रिकॉर्ड यस ये देखो यहां से हमारा रिकॉर्ड डिलीट हो गया तो चारों ऑपरेशन जो आपने देखे एड न्यू रिकॉर्ड एड अ न्यू फील्ड अपडेट अ रिकॉर्ड एंड डिलीट अ रो और कॉलम तो ये हमने कर लिया बेटा अब यहां पे अगला है हमारा रिलेशनशिप अगला टॉपिक है हमारा रिलेशनशिप आफ्टर यू हैव क्रिएटेड मल्टीपल टेबल्स इन योर माइक्रोसॉफ्ट एक्सिस बताया है कि एक डेटाबेस के अंदर मल्टीपल टेबल्स हो सकती है है बेटा ठीक यू नीड अ वे टू टेल एक्सिस हाउ टू ब्रिंग दैट इंफॉर्मेशन टूगेदर अगेन आपने मान लिया दो टेबल बनाइए एक तो बनाइए स्टूडेंट इंफॉर्मेशन की और एक बनाइए स्टूडेंट के मार्क्स की अब इन दोनों टेबल्स को आप क्या करना चाहते हो आपस में मर्ज करना चाहते हो तो इसके लिए हम क्या करते हैं रिलेशनशिप को क्रिएट करते हैं दोबारा से बताता हूँ जब हम किसी भी डेटाबेस के अंदर मल्टीपल टेबल्स बना सकते हैं बेटा और उन मल्टीपल टेबल्स के अंदर डेटा अलग अलग होगा बेटा अलग अलग फील्ड होंगे उन फील्ड्स को हम मर्ज करते हैं तो इसको हम बोलते हैं रिलेशनशिप फर्स्ट स्टेप इन दिस प्रोसेस इज टू डिफाइन रिलेशनशिप बिटवीन दब सबसे पहले हमको रिलेशनशिप क्रिएट करनी पड़ती है दोनों टेबल्स के बीच में आफ्टर क्रिएटिंग you यू कैन क्रिएट form फॉर्म to टू डिस्प्ले from फ्रॉम tables टेबल्स एट वंस तो वैसे तो ये वाला जो टॉपिक है हमारा रिलेशनशिप का ये टॉपिक हमारा second चैप्टर का है ठीक है क्योंकि इसके अंदर क्योरीज का जो ऑप्शन आ रहा है बेटा

रिकॉर्ड को बाहर निकालने के लिए या डेटा को बाहर निकालने के लिए आप कंडीशन अप्लाई करते हो जैसे कंप्यूटर में जिसके आ, 80 से ज़्यादा मार्क्स हैं उसका नाम आ जाए या उसका रोल नंबर आ जाए उसका एड्रेस आ जाए ठीक है तो ये सब क्या है ये सब क्या है क्योरीज होती है लेकिन हम चाहते हैं एक से ज़्यादा टेबल्स पर एक साथ हम क्या लगा सकते हैं क्योरीज लगा सकते हैं तो आपको सबसे पहले रिलेशनशिप क्रिएट करनी पड़ेगी और रिलेशनशिप वर्क्स बाय मैचिंग डेटा की इन बाई मैचिंग डेटा इन की फील्ड की फील्ड का मतलब है कोलम ठीक है यूजली अ फील्ड विद सेम नेम इन दोथ टेबल तो हम रिलेशनशिप जब क्रिएट करते हैं तो हमको क्या चाहिए बेटा दोनों टेबल के अंदर एक फील्ड ऐसा हो जो सेम नेम का हो जिसे स्टूडेंट की जो इंफॉर्मेशन है उसमें भी रोल नंबर होगा और स्टूडेंट के जो मार्क्स है उसमें भी रोल नंबर होगा तो रोल नंबर से रोल नंबर के बीच में हम क्या बना सकते हैं रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हैं इन मोस्ट केसेस दीज मैचिंग फील्ड्स आर प्राइमरी की प्राइमरी की का कंसेप्ट मैंने बताया था बेटा प्राइमरी की हम उस फील्ड को बनाते हैं प्राइमरी की हम उस फील्ड को बनाते हैं जो यूनिक होती है जो जिसकी वैल्यू क्या होती है यूनिक होती है अब जैसे रोल नंबर हो गया तो रोल नंबर हमेशा क्या होगा यूनिक होगा ठीक है तो हम जब दो टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप uh, क्रिएट करते हैं तो जब मैचिंग की बात आती है तो हम क्या करते हैं प्राइमरी की टू प्राइमरी की मैचिंग करते हैं तो दोनों तरफ क्या होना चाहिए बेटा प्राइमरी की सेम होनी चाहिए विच प्रोवाइड्स यूनिक आइडेंटिफायर फॉर ईच रिकॉर्ड एंड अ फॉरन की इन द अदर टेबल तो मैंने आपको ये कंसेप्ट बताया था बेटा फिर से बता देता हूं मैंने एक कंसेप्ट आपको बताया था कि जब आप एक टेबल आप टेबल बनाते हो तो यू मस्ट डिफाइन यू मस्ट डिफाइन अ प्राइमरी की जैसे मैं यहाँ पे रोल नंबर लिख रहा हूं इसको मैंने क्या बना दिया प्राइमरी की बना दिया रोल नंबर नेम एंड एज या फिर हम इसको क्या कर देते हैं क्लास कर यहाँ पे कर देते हैं क्लास अब ये हमारी हो गई स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन और यहाँ पे मैं एक और टेबल बना रहा हूँ मार्क्स नाम से किस नाम से मार्क्स नाम से अब यहाँ पे मैं क्या बना रहा हूँ जैसे सबसे पहला क्या बना देता हूँ अगेन प्राइमरी की बनानी है मेरे को तो यहाँ पे भी मैं क्या लिख दूंगा स्टूडेंट का रोल नंबर इसके बाद कंप्यूटर के मार्क्स मैथ के मार्क्स और साइंस के मार्क्स इस टाइप से अब क्या होगा बेटा ये प्राइमरी की जब हम क्या करेंगे बेटा इस प्राइमरी की को यहाँ पे असाइन कर देंगे तो ये प्राइमरी क्या की क्या हो जाएगी ये किस में चेंज हो जाएगी ये चेंज हो जाएगी आपकी फॉरेन की के अंदर एक टेबल की प्राइमरी की जब दूसरी टेबल के अंदर यूज होती है तो उसको हम बोल देते हैं फॉरेन की इस टेबल की प्राइमरी की इस टेबल के लिए क्या हो जाएगी फॉरेन की का काम का करेगी फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट कैन बी एसोसिएट विद देयर रिजल्ट बाय क्रिएटिंग रिलेशनशिप बिटवीन स्टूडेंट टेबल एंड द रिजल्ट टेबल यूजिंग द रोल नंबर फील्ड तो यहां पे मैं आपको रिलेशनशिप क्रिएट करके बताता हूं बेटा ठीक है मैं आप यहां पे देखना इसके बाद मैं आपको इसकी प्रोसेस दिखाऊंगा सबसे पहले आप यहां पे देखो मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताता हूं कि रिलेशनशिप कैसे क्रिएट करते हैं सबसे पहले तो रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए हमारे पास टू टेबल मिनिमम टू टेबल्स होनी चाहिए तो टू टेबल्स की मैं रिलेशनशिप क्रिएट करके बताता हूँ लुक एट द स्क्रीन ओके देखो सबसे पहले हम एमएस एक्सेस ओपन करते हैं यहां पे मेरे पास एक टेबल है सबसे पहले मैं टेबल क्रिएट करता हूँ नई टेबल क्रिएट करता हूँ बेटा ये यहाँ पे इसको व्यू पे जाके मैं डिजाइन व्यू पे जाता हूँ और इसका नाम दे देता हूँ स्टूडेंट स्टूडेंट इंफॉर्मेशन ओके ये मैंने बना ली यहाँ पे बना दिया रोल नंबर और इसको दे दिया हमने ये देखो बेटा इसके आगे की का साइन है तो इसका मतलब हमने रोल नंबर को प्राइमरी की बना दिया है इसके बाद मैं यहाँ पे ले लेता हूँ नेम जो क्या होगा टेक्स्ट होगा इसके बाद क्लास होगी ठीक है क्लास भी क्या होगी हमारी नंबर होगी ठीक है इसके बाद उनका एड्रेस होगा जो कि टेक्स्ट होगा ये तो मैं क्या रख रहा हूँ बेटा ये हमने स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन बना दी है ठीक है और ये मैं यहाँ पे स्टूडेंट का वन जीरो वन जीरो वन नेम रख रहा हूँ हर्ष क्लास है इसकी सेवेंथ एड्रेस है ये पटना के ठीक है और इसके बाद सेकेंड पे आ जाते वन जीरो टू इसका नाम है यश ठीक है इसकी क्लास है एट्थ ये है जयपुर से इसके बाद है वन ज़ीरो थ्री ओके और यहाँ पे मैं नाम लिख रहा हूँ जय ठीक है और जय का जो क्लास है वो एट्थ है और ये कोटा के हैं इसी टाइप से मैं 104, यहां पे नाम रहा हूं मैं नाम रहा गौरव ये क्लास नाइन्थ में है और ये है कहां से मुंबई से ओके ये चार रिकॉर्ड्स मैंने इसमें एंटर कर दिए बेटा इसके बाद मुझे क्या करना है एक और टेबल में यहाँ पे क्रिएट करता हूँ बेटा यहाँ पे मैं क्या करता हूँ एक और टेबल क्रिएट करता हूँ ये नई टेबल आ गई है बेटा इस टेबल को मैं व्यू में जाकर डिजाइन व्यू पे ओपन करता हूँ जिससे और इसका नाम दे देता हूँ स्टूडेंट स्टूडेंट अंडर मार्क्स और यहाँ पे क्रिएट करता हूँ अब मैंने आपको बोला था कि जो दोनों टेबल होती है देखो बेटा स्टूडेंट टेबल थी हमारी हमारी जो स्टूडेंट टेबल थी इंफॉर्मेशन टेबल थी इसके अंदर हमने क्या करा था जो रोल नंबर था इसको प्राइमरी की बनाया था उसी टाइप से यहां पे भी हम क्या करेंगे एक रोल नंबर ले लेंगे एक सेकेंड डिजाइन व्यू में जाते हैं और यहां पे इसको भी हम क्या बना देंगे रोल नंबर को प्राइमरी की बना देंगे ठीक है यहां पे कंप्यूटर के मार्क्स जो नंबर में आएंगे मैथ्स के मार्क्स जो भी नंबर में आएंगे आपके इसके बाद साइंस के मार्क्स ये भी नंबर में आएंगे और इंग्लिश ये भी नंबर में आएंगे ठीक है और ये हमने यहाँ पे क्रिएट कर देते बेटा और इसके अंदर अगेन हम क्या कर देते हैं वन जीरो वन सबसे पहले किसका नेम था हमारा हर्ष यश जे गौरव ठीक है वन जीरो वन वन जीरो टू वन ज़ीरो थ्री वन जीरो फोर चार एंट्रीज हमने यहाँ पे की थी और यहाँ पे क्या कर देता हूँ मैं कंप्यूटर के मार्क्स को एंटर कर देता हूँ जैसे कंप्यूटर के मार्क्स आ रहे हैं इनके एट्टी सिक्स मैथ्स के आ रहे हैं एट्टी नाइन साइंस के आ रहे हैं एट्टी वन इंग्लिश के आ रहे हैं अंदर सेवेंटी नाइन ठीक है वन जीरो टू के आ रहे हैं सिक्सटी एट एट्टी फोर फिफ्टी नाइन सिक्सटी फाइव ओहो एक ही सब जगह सब आ गए इस टाइप से हम यहाँ पे मार्क्स को एंटर कर देते हैं ये हमने यहाँ पे मार्क्स को एंटर कर दिया है तो यहाँ पे हमारी दो टेबल बन गई है बेटा एक तो स्टूडेंट के रोल नंबर स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन जिसके अंदर स्टूडेंट की नेम क्लास और एड्रेस है और स्टूडेंट्स के मार्क्स जिसके अंदर कंप्यूटर मैथ साइंस और इंग्लिश के मार्क्स हैं अब हम इनकी रिलेशनशिप क्रिएट करना चाहते हैं तो रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए हम डेटा शीट के अंदर जाते हैं बेटा ये दोबारा से देखो आप जैसे मैं किसी भी टेबल को यहाँ पे सेलेक्ट कर लूंगा एक मिनट में इसको डिलीट कर देता हूं यहां से ओके okay, तो ये देखो बेटा यहां से स्टूडेंट इंफॉर्मेशन मैं यहां डेटा शीट पे जाता हूं डेटा शीट पे पे जाने के बाद यहां पे आ रहा है रिलेशनशिप रिलेशनशिप ग्रुप से रिलेशनशिप को क्रिएट करता हूं अब यहां पे पूछ रहा है ये कि किन किन की रिलेशनशिप क्रिएट करनी है यहां पे हमारे पास तीन टेबल है स्टूडेंट इंफॉर्मेशन स्टूडेंट मार्क्स एंड स्टूडेंट तो मेरे को स्टूडेंट इंफॉर्मेशन और स्टूडेंट मार्क्स की क्या करनी है रिलेशनशिप क्रिएट करनी है तो मैं इन दोनों को सेलेक्ट करके क्या कर देता हूँ एड कर देता हूँ ओके okay, और इसको क्लोज कर देते हैं अब ये देखो बेटा यहाँ पे हमारे स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन आ गई है और यहाँ पे स्टूडेंट्स के मार्क्स आ गए हैं अब मैं क्या करूँगा ध्यान से देखना बेटा यहाँ पे रिलेशनशिप क्रिएट कैसे करते हैं यहाँ से मैं इस रोल नंबर को क्लिक करूंगा और ड्रेक करके यहाँ पे लेके आ जाऊंगा दोबारा से देखना बेटा यहाँ से हमने दोनों तरफ रोल नंबर को प्राइमरी की बनाया है तो हम रोल नंबर टू रोल नंबर क्या बनाएंगे रिलेशनशिप क्रिएट करेंगे तो यहाँ से मैं इस रोल नंबर को क्लिक करूंगा और ड्रेक करके यहाँ पे लेके आ जाऊंगा ये पूछना चाह रहे हैं कि यहाँ पे आप एडिट करना चाहते हो रोल नंबर टू रोल नंबर बनाना चाहते हो हम बोल रहे हैं हाँ रोल नंबर टू रोल नंबर ही हम क्रिएट करना चाहते हैं यहाँ पे हम और ये हमारी क्या हो गई देखो बेटा ये रिलेशनशिप क्रिएट हो चुकी है देखो रिलेशनशिप क्रिएट हो चुकी है इसके उपर, अप्लाई करते हैं। ये मैं आपको में अभी आपको अप्लाई करना नहीं हमारी रिलेशनशिप क्रिएट हो चुकी है अब हम यहाँ पे जब भी क्यों कर सकते हैं तो मैं एक टेबल से रोल नंबर ले सकता हूँ दूसरी टेबल से कंप्यूटर के, के मार्क्स साइंस इस टाइप से ले सकता हूं ओके आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे रिलेशनशिप को क्रिएट किया जाता है ये देखो बेटा सबसे पहले आपने दो टेबल बनाई है जैसे यहां पे रिजल्ट और स्टूडेंट नाम से दो टेबल है यहां पे आप किसी भी टेबल को या तो इस टेबल को या इस टेबल को सेलेक्ट करोगे तो यहां पे क्या होगा अलग से टेबल टूल आ रहा है यहां से आपने ये देखो रिलेशनशिप पे क्लिक किया रिलेशनशिप पे क्लिक करने के बाद ये आपको नंबर ऑफ टेबल दे देंगे अभी यहाँ पे सिर्फ टू टेबल्स से लेकिन जब हमने प्रैक्टिकल किया तो वहां पे तीन टेबल्स थी तो आपको जिन भी टू टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट करना है उनको आप सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से एड कर देंगे ओके okay? अब ये देखो बेटा यहाँ पे रोल नंबर आ रहा है और यहाँ पे भी रोल नंबर आ रहा है आपको क्या करना है इस रोल नंबर को क्लिक करके ड्रैग करके यहाँ पे लेके आना है यहाँ से क्लिक करके और ड्रैग करके यहाँ पे लेके आओगे बेटा तो ये देखो यहाँ पे आपसे पूछेंगे कि आप एडिट करना चाहते हो क्या रिलेशनशिप को आप रोल नंबर टू नेम बनाना चाहते हो रोल नंबर टू मार्क, कंप्यूटर मार्क्स बनाना चाहते हो इस टाइप से कुछ करना चाहते हो लेकिन हमने पढ़ा था कि जब भी हम रिलेशनशिप क्रिएट करेंगे तो हम क्या करेंगे जो प्राइमरी एट्रीब्यूट है हमारे प्राइमरी फील्ड है रोल नंबर टू रोल नंबर फोन नंबर तो उस टाइप से क्रिएट करेंगे तो यहां पर रोल नंबर टू रोल नंबर हम क्रिएट कर देंगे और ये देखो बेटा ये जो साइन आ रहा है ये जो साइन आ रहा है रोल नंबर रोल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है ये किसका साइन है रिलेशनशिप का साइन है अब बात आती है कि इसका यूज क्या होता है तो अभी मैंने आपको बताया कि यूज ये होता है बेटा कि मैं सिर्फ एक क्यूरी करूंगा कि द रोल नंबर हु जिसका रोल नंबर है तो उसके इंग्लिश के मार्क्स क्या है और उसका नेम क्या है तो देखो रोल नंबर और इंग्लिश के मार्क्स तो इस टेबल से आ जाएंगे और नेम इधर से आ जाएगा और हमारी एक अलग से टेबल बन जाएगी क्योरी बन जाएगी ठीक है तो मैं क्या कर रहा हूं कि अलग अलग टेबल से अलग अलग टेबल से एक टेबल में डेटा को एक्सेस कर सकता हूं ये देखो बेटा टू क्रिएट अ रिलेशनशिप फॉलो द गिवन स्टेप्स तो ये अगर आप जो मैंने अभी प्रैक्टिकल करके बताया था उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो आप यहां से इस स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं सबसे पहले क्रिएट बोथ टेबल्स एंड ओपन वन ऑफ देम इन द डेटा शीट व्यू मैंने क्या बोला बेटा दो टेबल्स को मिनिमम दो टेबल्स को आपको क्रिएट करना है और उनमें से एक टेबल को आपको डबल क्लिक करके डेटा शीट व्यू में ओपन करना है

क्लिक द क्लोज बटन आपको जो ये विंडो ओपन हुई थी आपकी अभी डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ था उसको क्लोज करना है ड्रैग द प्राइमरी की ऑफ द पेरेंट टेबल ठीक है जिसकी प्राइमरी की है बेटा उससे आपको क्या करना है उस पेरेंट टेबल से उसको ड्रैग करके ड्रॉप करना है इन द सेम फील्ड ऑफ द चाइल्ड टेबल दो टेबल बनाई थी हमने बेटा

ये इस टाइप का एडिट रिलेशनशिप डायलॉग बॉक्स आपका ओपन हो जाएगा ठीक है इसके बाद आपको क्या करना है क्लिक द क्रिएट बटन यू सी द रिलेशनशिप क्रिएटेड सेव योर वर्क तो ये आपका हो जाएगा ओपनिंग एंड एग्जिस्टिंग एक्सेस डेटाबेस ये ये बोलना चाह रहे हैं बेटा कि आपने पहले से कोई डेटाबेस डेटा बेस बना रखा है एग्जिस्टिंग डेटाबेस है उसको कैसे ओपन कर सकते हो तो जैसा हम बाकी वर्ड पावर पॉइंट इन सब के अंदर करते हैं कि आप कंट्रोल ओ करके या फिर फाइल पे जाके ओपन करके आप अपने जो फाइल है उसको सेलेक्ट कर सकते हो वैसा आप यहाँ पे भी करेंगे क्लिक द फाइल टैब क्लिक ओपन ऑप्शन फ्रॉम द बैक स्टेज व्यू द ओपन डायलॉग बॉक्स अपीयर लुक फॉर द फोल्डर वेयर द डेटा बेस इज सेव्ड तो आपने कहाँ पर डेटाबेस को सेव कर रखा है उस लोकेशन पर आप जाएंगे सेलेक्ट द रिक्वायर्ड डेटा बेस टू ओपन एंड क्लिक द ओपन बटन द सेलेक्टेड डेटा बेस गेट्स ओपन तो जिस भी डेटा बेस को आप सेलेक्ट करेंगे डबल क्लिक करेंगे ओपन पर क्लिक करेंगे तो आपका डेटाबेस ओपन हो जाएगा तो दिस इज द एंड ऑफ़ योर चैप्टर नंबर टू चैप्टर नंबर थ्री के अंदर हम इसी से रिलेटेड इसी का एक्सटेंडेड वर्जन पढ़ेंगे बेटा इसके अंदर हमने टेबल को बनाना सीखा था चैप्टर नंबर थ्री के अंदर हम क्या देखेंगे कि टेबल्स से हम क्योरीज कैसे बनाते हैं फॉर्म्स कैसे बनाते हैं और रिपोर्ट्स कैसे बनाते हैं ओके okay? तब तक बाय थैंक यू